हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के जो चैप्टर 3 है द सेल्फिश यार्ड का सेकंड पार्ट। हमारी फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड कर लिया था लास्ट में कि जो यार्ड है उसे एक आवाज़ अपनी खिड़की से सुनाई देती है जो कि एक लिनट पक्षी की होती है। काफ़ी मधुर संगीत उसे लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार जो स्प्रिंग सीज़न है वो अब उसके गार्डन में आ गया है और उसे देखने के लिए वो अपने बेड से कूदता है और अपनी खिड़की के पास जाता है अपने गार्डन को देखने। आगे सेकंड पार्ट में देखिए कि टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। कहते हैं बच्चों के वापस आने की खुशी को मनाने के लिए पेड़ों ने खुद को पक्षियों और फूलों से ढक लिया, यानी कि बहुत सारे कवर्ड होता है ढकना। ब्लॉसम्स मतलब खिले हुए फूल और बर्ड्स मतलब पक्षी। कि बच्चे जब वापस आ गए तो पेड़ों पर फिर से पक्षी भी बैठकर गाने लगे और फूल भी खिलने लगे। द जंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक स्पेशली अ लिटल बॉय होम ही लव्ड डियरली। अब जो राक्षस था अपने फ्रेंड्स को मित्रों को वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और ख़ास तौर पर एक छोटे से लड़के को देखकर जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लव्ड डियरली मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना। द लिटल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। अब जो छोटा लड़का था जल्दी ही डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया और बहुत देर के बाद वो वापस लौटा। मच लेटर मतलब बहुत बाद में, बहुत देर के बाद वो वापस लौटा। देखिए चैप्टर, ही saw a मोस्ट वंडरफुल साइट। अब जो वो अपने बेड से कूदा और बाहर खिड़की की तरफ देखा उसने, तो क्या देखा उसने? बहुत ही वंडरफुल साइट, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। थ्रो ए लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। अब दीवार पर बने एक छोटे से छेद में से बच्चे रेंग कर, क्रैप्ट इन मतलब रेंग कर अंदर आना, रेंग कर अंदर आ रहे थे और वो पेड़ों की टहनियों पर बैठे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज ए लिटल चाइल्ड एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। अब जो पेड़ थे, हर पेड़ पर एक बच्चा बैठा नजर आ रहा था और पेड़ बच्चों को वापस से पाकर इतने खुश थे कि उन्होंने खुद को फूलों से ढक लिया था। ब्लॉसम्स मतलब खिले हुए फूलों से कवर्ड मतलब ढक लेना। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। और अपनी बाजुओं को उन्होंने क्या किया, बच्चों के सिरों के ऊपर अपनी बाजुओं को प्यार से हिला रहे थे। वो चिल्ड्रंस हेड्स मतलब बच्चों के सिरों पर से अपनी बाजुओं को वो प्यार से हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रो द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। अब पक्षी क्या कर रहे थे, जो पक्षी थे वो इधर उधर उड़ रहे थे और खुशी के मारे चहचहा रहे थे। ट्विटरिंग होता है चहचहाना, डिलाइट मतलब खुशी से, खुशी के साथ वो चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो हरी घास में से फूल ऊपर की ओर देख रहे थे और खुश हो रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन केवल एक कोना ऐसा था जहाँ पर अभी भी विंटर सीजन था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये बगीचे का सबसे दूर वाला, फार्देस्ट मतलब दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटल बॉय, और जहाँ पर विंटर सीजन थी अभी भी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा था कि वो
जो पेड़ की शाखाएं थी उन तक नहीं पहुंच पा रहा था, उन तक नहीं पहुंच सकता था वो। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था और क्राइड बिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा वो रो रहा था, बुरी तरह से वो रो रहा था, फूट फूट कर रोना भी बोल देते हैं। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोयरिंग अबव इट। क्लाइंब अप लिटल बॉय सैड द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टिनी। कहते कि बेचारा जो पेड़ है अभी भी बर्फ और पाले से ढका हुआ था, फ्रॉस्ट मतलब पाला और स्नो मतलब बर्फ से अभी भी ढका हुआ था। नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग, अभी भी वहाँ पर जो उत्तरी हवा है वो बह रही थी, ब्लोइंग मतलब बहना, एंड रॉयरिंग अबव इट और इसके ऊपर गरज रही थी। कमिंग क्लाइंब अप लिटल बॉय, ऊपर चढ़ आओ छोटे लड़के, सैड द ट्री पेड़ ने कहा, एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाओं को उतना नीचे कर लिया जितना कि वो पेड़ कर सकता था। लेकिन जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, उसकी हाइट जो है बहुत छोटी थी। पेड़ ने बहुत कोशिश की कि वो जो छोटा लड़का है वो ऊपर चढ़ाए शाखाओं पर, लेकिन इसीलिए उसने उसे अपनी शाखाओं को काफ़ी नीचे भी किया ब्रांचेस को, लेकिन लड़का जो है वो बहुत छोटा था, वो नहीं चढ़ सका उनके ऊपर, पेड़ के ऊपर। एंड द जायंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर। अब जो राक्षस था उसने देखा और उसका दिल जो है वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, और उसने कहा कि अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ बसंत क्यों नहीं आ रही थी। आई विल पुट द पुअर लिटल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। कहता है अब मैं बेचारे उस लड़के को पेड़ की शाखा पर, पेड़ की चोटी पर ऊपर बिठा दूंगा और फिर मैं अपनी गार्डन की, अपने जो बगीचे की के चारों ओर मैंने दीवार बनाई थी उसको भी मैं अब गिरा दूंगा, और मेरा बगीचा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेलने का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और उसे सच में बहुत ज़्यादा पछतावा था, सॉरी होता है खेद या पछतावा, जो भी उसने बच्चों के साथ किया, दीवार बना दी थी और बच्चों को नहीं खेलने दिया था, उस बात का उसे बहुत ज़्यादा पछतावा था, खेद था। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन। अब क्या हुआ, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और बड़े प्यार से सामने वाले दरवाजे को उसने खोला। क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरना, एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और बाहर बगीचे में वो चला गया। बट वेन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, सो फ्राइटेंड मतलब वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, डर गए, और दे ऑल रन अवे और सब भाग गए, एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर से जो बगीचा था उसमें फिर से विंटर सीजन जो है आ गया था, शीत ऋतु आ गई थी। ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन, केवल जो वो छोटा लड़का था जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था वो वहाँ पर, वहाँ से नहीं भागा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी, दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, और आँखें आंसुओं से भरे होने के कारण ही वो जायंट को आते हुए नहीं देख सका था। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री, और राक्षस उस लड़के के पीछे धीरे धीरे से गया चोरी से, और उसे
प्यार से अपने हाथों में उठा लिया उसने और उसे पेड़ के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सिंग ऑन इट एंड द लिटल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट स्नेक एंड किस्ड हिम। और क्या हुआ कि जो पेड़ थे, पेड़ एकदम से फूलों से खिल उठे, यानी कि पेड़ों पर फूल खिलने लगे और पक्षी आ गए और गीत गाने लगे, और छोटे लड़के ने अपनी दोनों बाहें जो हैं, दोनों हाथ जो हैं स्ट्रेच्ड आउट फैलाए और राक्षस के गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और उसे किस भी किया, उसे प्यार किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जायंट वाज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर। अब जब बच्चों ने देखा कि राक्षस अब वीक्ड, दुष्ट या नीच बोल देते हैं, दुष्ट नहीं रहा, तो वे भी केम रनिंग, दौड़कर वहां आए बैक वापस। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही, बच्चों के आने के साथ ही जो वसंत ऋतु थी वो भी वापस आई। इट इज योर गार्डन नाउ लिटल चिल्ड्रन सेड द जायंट। अब जायंट ने क्या कहा कि प्यारे बच्चों, ये छोटे बच्चों, अब ये तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और उसने क्या किया, जो दीवार थी उसको नीचे गिरा दिया। एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जब 12 बजे लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने सबसे सुंदर बगीचे में राक्षस को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, जब लोग मार्केट जा रहे थे 12 बजे। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. सारा दिन वो खेलते रहे और शाम के समय में राक्षस के पास गए और उसे अलविदा कहा बच्चों ने। But there where is your little companion, he said. The boy I put into the tree. अब राक्षस ने उन बच्चों से पूछा जो उसे goodbye कहने आए थे कि लेकिन तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है, वो लड़का जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। राक्षस ने अब बच्चों से पूछा। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। राक्षस जो है उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसे किस किया था, चूमा था, यानी कि उस राक्षस को भी उस छोटे लड़के ने प्यार किया था, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्यार उस छोटे लड़के से करता था राक्षस। बट वेयर इज वी डोंट नो, हम नहीं जानते, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज़ गोन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमोरो सैड द जायंट। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड। अब जायंट ने बच्चों से कहा कि तुम उसे कल जरूर आने के लिए कहना, लेकिन बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है और इससे पहले उन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं था। और ये सुनकर राक्षस को बहुत दुख होता है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वेरी सैड मतलब बहुत उदास होना। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी होती थी, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बच्चे वहाँ आते थे और राक्षस के साथ खेलते थे। बट द लिटल बॉय होम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा बच्चा जो जिसे राक्षस ने देखा था वो उसे कभी भी दोबारा दिखाई नहीं दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम।
कहता है राक्षस सभी बच्चों पर बहुत ज़्यादा काइंड था, सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दयालु था, फिर भी उसके मन में अपने उस छोटे से फ्रेंड से मिलने की चाहत थी। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर वो है उसके बारे में बातें भी करता था। ऑफन मतलब अक्सर, स्पोक ऑफ हिम मतलब उसके बारे में बातें करता था वो अक्सर। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज़ टू से, और अक्सर वो क्या कहता था कि कितना अच्छा होता यदि मैं उससे मिल लेता, ये बात वो हमेशा कहता था, अक्सर कहता था। ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए, एंड द जियांट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। फीबल होता है कमज़ोर, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। साल बीतते गए, जियांट जो था, राक्षस जो था, बूढ़ा हो गया और कमज़ोर भी हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। तो इसलिए वो क्या करता था, खेल नहीं सकता था और एक बड़ी सी आर्म चेयर, जिसके हाथ होते हैं हत्थे वाली कुर्सी पर बैठ जाता था और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था और अपने बगीचे की तारीफ करता रहता था। एडमायर होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ही सैड, कहते मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, वो कहता था। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फूल होते हैं, ये बात राक्षस ने कही। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, कहता है एक दिन सर्दी की सुबह जब वो ड्रेसिंग कर रहा था, यानी कि कपड़े पहन रहा था, तो उसने अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो शीत ऋतु से भी नफरत नहीं करता था, हेट मतलब घृणा। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि वो ये जानता था कि ये केवल बसंत ऋतु की नींद के कारण ही था और इस समय में फूल जो हैं केवल आराम कर रहे थे, फूल आराम कर रहे थे और बसंत ऋतु सो रही थी, जिसकी वजह से विंटर सीजन आया। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुकड एंड लुकड, अचानक उसने अपनी आंखें जो हैं वो मसली और देखता रहा, हैरानी से जो है वो देखता रहा। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, ये बहुत ही शानदार दृश्य था निश्चित रूप से। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, मार्वलस साइट, साइट मतलब दृश्य, मार्वलस मतलब शानदार, निश्चित ही ये एक बहुत ही शानदार दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, के बगीचे का दूर का जो कोना था, दूर वाले कोने में एक पेड़ खड़ा था जो पूरे का पूरा सफ़ेद रंग के फूलों से भरा हुआ था, लदा हुआ था, ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी जो शाखाएं थी वो सुनहरे रंग की थी, एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और जिसके नीचे चांदी जैसे फल जो है वो नीचे लटक रहे थे। एंड अंडर नीथ इट स्टूड द लिटल बॉय ही हैड लव्ड, और इसके नीचे, अंडर नीथ मतलब के नीचे, और उसी के नीचे, पेड़ के नीचे जिस पर फूल लदे हुए थे और फ्लावर से ढका हुआ था, जो वही छोटा लड़का खड़ा था जिससे वो जियांट जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रन द जियांट इन ग्रेट जॉय, बहुत ही खुशी के साथ, खुश होकर वो राक्षस जो है नीचे की ओर दौड़ा, एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बगीचे में आया। ही हैस्टर्न्ड अक्रॉस द ग्रास, जल्दी से उसने जो है घास के बीच से वो दौड़ा, एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सैड हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी,
अब उसने बच्चे के पास जाकर गुस्से के मारे उसका जो चेहरा है वो लाल हो गया। एंगर मतलब गुस्सा, ग्रियूरैंड मतलब लाल हो जाना, चेहरा लाल हो गया। और उसने अब क्या कहा बच्चे से कि तुम्हें वुंड, वुंड मतलब घायल, तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया है? डेयर मतलब साहस करना, कि तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया है? फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटल फिट। क्योंकि लड़के की हथेलियों, पाम होता है हथेली, पाम से होता है हथेली, हथेलियों के ऊपर कीलों के दो निशान थे और दो निशान उसके छोटे छोटे पाँव के ऊपर भी थे। Who hath dared to wound thee? cried the giant. अब जियांट चिल्लाते हैं कि तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसने की? Tell me, मुझे बताओ, that I may take my big sword and slay him. मुझे बताओ ताकि मैं अपनी बड़ी सी तलवार से उसका जो है वध कर दूँ, उसकी जो है हत्या कर दूँ। स्ले मतलब हत्या करना, स्वॉर्ड मतलब तलवार, बड़ी सी तलवार से उसकी हत्या कर दूँ। अब बच्चे ने क्या कहा? ने आंसर्ड द चाइल्ड, नहीं बच्चे ने उत्तर दिया, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये तो क्या है, प्यार के घाव है। हु आर्ट दो, तुम कौन हो? सैड द जियांट, राक्षस ने कहा। हु आर्ट, अब दो जो वर्ड है यहाँ पर, दो का मतलब है यू, हु आर यू, तो और आर्ट मतलब आर, Who art thou का मतलब है Who are you? तुम कौन हो? said the giant. Giant ने कहा। And a strange away fell on him and he knelt before the little child. अब एक अजीब सा भय जो है उसके चेहरे पर फैल गया और वो छोटे बच्चे के सामने झुक गया। And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden which is paradise. Paradise होता है स्वर्ग। अब बच्चा मुस्कुराया, smile मतलब मुस्कुराना, बच्चा मुस्कुराया और उसने कहा कि एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने का मौका दिया था, chance दिया था, और अब तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो जो कि स्वर्ग है। पैराडाइज मतलब स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन द दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स। और जब दोपहर के बाद बच्चे बगीचे में आए तो उन्होंने देखा कि राक्षस जो है पेड़ के नीचे डेड मरा हुआ पड़ा है और उसके मृत शरीर, उसका जो मृत शरीर था वो सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। यानी कि जो वो छोटा बच्चा था, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लेसन से कि वो कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था जिसने राक्षस के हृदय को बदल दिया था, दिल को बदल कर रख दिया था। यानी कि एक सेल्फिश जायंट से उसे एक काइंड नेचर वाला जियांट बना दिया था। आई होप कि ये जो चैप्टर है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।